हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। अधिक पुराने घावों के लिए आयुर्वेदिक उपचार निम्नलिखित हो सकते हैं। त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो उपचार में उपयोगी होती है। इसे रोग से जुड़ी समस्याओं के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली उपयोग किया जा सकता है। एक चम्मच त्रिफला पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इसे घाव पर लगाएं। 15-20 मिनट तक छोड़ दें और फिर गर्म पानी से धो लें। हल्दी। हल्दी प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो घाव को ठीक करने में मदद कर सकती है। एक चम्मच हल्दी पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इसे घाव पर लगाएं। 15-20 मिनट तक छोड़ दें और फिर गर्म पानी से धो लें। एलोवेरा। एलोवेरा एक प्राकृतिक उपचारक है जो घाव को ठंडा और ठीक करने में मदद कर सकता है। एक ताज़ा एलोवेरा का पत्ता काटें और इससे जेल निकालें। जेल को सीधे घाव पर लगाएं और उसे एक्सपोज करने के लिए ताज़ा एलोवेरा के एक और पत्ते का टुकड़ा रखें। 15-20 मिनट तक छोड़ दें और फिर गर्म पानी से धो लें। नीम। नीम एक औषधीय जड़ी बूटी है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। एक चम्मच नीम के पत्ते का पेस्ट बनाएं और इसे घाव पर लगाएं। 15-20 मिनट तक छोड़ दें और फिर गर्म पानी से धो लें। तुलसी। तुलसी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है जो घावों को ठीक करने में मदद कर सकती है। एक चम्मच तुलसी के पत्ते का पेस्ट बनाएं और इसे घाव पर लगाएं। 15-20 मिनट तक छोड़ दें और फिर गर्म पानी से धो लें। उपरोक्त उपायों का उपयोग घावों के उपचार के लिए किया जा सकता है। हालांकि समस्या के अनुसार अलग अलग उपयोग किए जाने वाले औषधियों का चयन किया जा सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इस वीडियो को जरूरी लोगों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।